दोस्तों वावी का पिछली बार दो लैपटॉप लॉन्च हुआ था, वावी D14 और D15 2020 एडिशन। तो दोस्तों उसका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा था और दोस्तों उसका स्पेक्स भी काफी ज्यादा अच्छा था। और दोस्तों अब चाइना में दो और उसी का नया मॉडल लॉन्च हुआ है 2021 एडिशन, D14 और D15 2021 एडिशन के नाम से। तो चलिए दोस्तों आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु झा और दिवटेक्स में आप सबका स्वागत है। तो स्टार्ट तो हम करते हैं मेटबुक D15 से। तो एक्चुअली इसका तीन वेरिएंट लॉन्च हुआ है, जिसमें से कि आपको दो देखने को मिल जाएगा कोर i5 के ऊपर बेस्ड, और दोस्तों एक एक्चुअली आपको देखने को मिल जाएगा कोर i7 के ऊपर बेस्ड। पहले तो इसके जनरल स्पेक्स की बात कर लेते, तो दोस्तों इसमें आपको IPS LCD FHD Plus डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसका कि दोस्तों पिक्सल रिजोल्यूशन होगा 1920x1080 पिक्सल रिजोल्यूशन। और दोस्तों एक्चुअली इसमें आपको 180 डिग्री का हिंस देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर USB पोर्ट्स की बात करें, तो दोस्तों इसमें आपको देखने को मिल जाएगा USB 2.0, USB 3.0 और एक आपको देखने को मिल जाएगा USB Type-C। दोस्तों एक्चुअली इसमें आपको 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आजकल के टाइम में वैसे तो एक नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस है, पर दोस्तों आजकल के टाइम में काफी स्पेशल स्पेक्स है। और अब हम चलते हैं वेरिएंट के ऊपर। तो इस बार हम कोर i5 के ऊपर से करना चाहते हैं। तो इसमें आपको फर्क सिर्फ यह है कि ग्राफिक्स कार्ड का आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली इसका जो ग्राफिक्स कार्ड है, एक में आपको देखने को मिल जाएगा निविडिया GeForce MX 450 देखने को मिल जाएगा, और दूसरा वाला आपको देखने को मिल जाएगा IRIS Xe। और दोस्तों अब हम चलते हैं इसके स्टोरेज वेरिएंट के ऊपर। तो दोस्तों अगर रैम की बात करें, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा DDR4 का रैम, जो कि दोस्तों 16GB पे आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करें, तो इसमें आपको 512GB देखने को मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों 512GB वाले वेरिएंट ही है, एक्स्ट्रा वेरिएंट आपको देखने को नहीं मिला है। और दोस्तों अब हम चलते हैं हायर वेरिएंट के ऊपर, कोर i7। तो दोस्तों ज्यादा फर्क नहीं है, प्रोसेसर का ही डिफरेंस है, ग्राफिक कार्ड भी इसमें सेम ही है, आपको इसमें देखने को मिल जाएगा निविडिया GeForce MX 450 देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अब हम बात करते हैं वावी मेटबुक D14 के ऊपर। तो दोस्तों ये D15 से ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली इसमें आपको स्क्रीन साइज का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। वावी D15 का जो स्क्रीन साइज है वो है 15.6 इंच, और दोस्तों वावी D14 का जो स्क्रीन साइज है वो है 14 इंच। बाकी दोस्तों सारे स्पेसिफिकेशंस भी सेम है। एक्चुअली इसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, कोर i5 के ऊपर और कोर i7 के ऊपर। कोर i5 का जो ग्राफिक कार्ड है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा IRIS Xe ग्राफिक कार्ड, और कोर i7 का जो ग्राफिक कार्ड है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा NVIDIA Xe GeForce। दोस्तों दोनों ही लैपटॉप काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि दोस्तों इंटेल 11th जनरेशन कोर के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि दोस्तों पिछला वाला जो D15 और D14 था वो 10th जनरेशन के ऊपर बेस्ड था। तो दोस्तों वावी एक्चुअली तरक्की तो कर रहा है, और दोस्तों इसका जो लुक है ये भी काफी ज्यादा स्पेशल। और दोस्तों अब सबसे फाइनल चैप्टर पे आते हैं, पैसा, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली पैसा हर जगह पे आ ही जाता है। वावी D15 का जो दो वेरिएंट है कोर i5 वाला, वो आपको देखने को मिल जाएगा 56,350 और 62,000 में। और दोस्तों i7 वाला जो वेरिएंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा 72,000 में। और D14 की बात करें, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 56,350 और 72,100 में। ऑब्वियसली दोस्तों दोनों का प्राइस सेम है, ऐसा क्यों है एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। और दोस्तों अभी ये चाइना में ही लॉन्च हुआ है, इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, देखते हैं ये कब लॉन्च होगा। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करिएगा भोसड़ी के चुभे। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।